बिना सर्जरी के टेस्टिकुलर कैंसर का इलाज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर टेस्टिस में कैंसर है तो उसको निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप का कैंसर है, उसी के बेसिस पे कीमो रेडियोथेरेपी कौन सी देनी चाहिए और क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए वो डिसाइड होता है। इसको कह पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर टेस्टिकुलर कैंसर जब उसको पता चला है और वो सारे शरीर में फैल गया है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है। किसी भी तरह की सर्जरी आजकल पेनफुल नहीं है, सर्जरी एनेस्थीसिया के अंडर होती है, इट इज ए पेनलेस सर्जरी। सर्जरी डिपेंड करता है कि हम टेस्टिस को निकालने की सर्जरी कर रहे हैं या उसके अलावा भी कुछ सर्जरी और कर रहे हैं, जिसमें जो कैंसर अगर लिम्फ नोड तक चला गया तो उनको भी निकाल रहे हैं। टेस्टिस को निकालने का टाइम यूजुअली 30-45 मिनट्स रहता है इन टोटल, डिपेंडिंग ऑन द सेकेंड सर्जरी डिपेंड्स कि कितना टाइम लग रहा है। देखिए टेस्टिस एक आउटसाइड ऑर्गन है, टेस्टिस ऑलरेडी आउटसाइड है बॉडी के, तो ओपन सर्जरी करके कोई भी फायदा नहीं है। अगर टेस्टिस को निकालने की बात आती है तो टेस्टिस की ओपन सर्जरी होती है। हाँ, अगर पेट में लिम्फ नोड है और उनको भी निकालने की सर्जरी साथ में करनी है तो लैप्रोस्कोपिक दूरबीन विधि द्वारा की जाती है।